ट्रेवल फैमिली, वेलकम टू ट्रैवलिंग टिकट। तो कैसे हैं आप सबकी हाल? वेल, मैं अपने बताऊँ, मेरे बहुत अच्छे हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ एक बात, आज हुआ क्या। आज ना मैं चली मोमोज बनाने के लिए, और मोमोज में सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है मैदे की, और चेक किया कि मैदा ही ख़त्म हो रखा है। मतलब हद हो गई, मोमोज बनाने खड़ी हुई और सब कुछ प्रिपरेशन कर ली, मैदा गूंदने की जब बारी आई तो देखा क्या मैदा ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ मैदा लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको यहाँ पे मॉरिशस में क्या क्या प्राइजेस हैं मैदे के, आटे के, चावल के, चीनी के, तब जो भी एक नेसेसरी आइटम्स होते हैं, तो वो दिखाने के लिए। तो अभी चलते हैं, घर के पास में ही एक मॉल है, उस मॉल में जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्राइजेस हैं। लेट्स गो। जहाँ से मुझे शॉपिंग करनी थी उसका नाम था विनर्स। मतलब ये एक मॉल के अंदर सुपरमार्केट है, उसका नाम विनर्स। वहाँ से मुझे शॉपिंग करनी थी, और वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वहाँ पर ना, मतलब मंथ के एंड में या कभी कभी मिड में भी ना, प्रमोशन चलता है जिसका ना प्राइस डाउन होता है। तो आप चेक कर सकते हो कि अभी कितना प्राइस चल रहा है। लाइक अभी मेरे को दिख रहा है कि ये मिल्क पाउडर पर और भी बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर ऑफर चल रहा है। तो अंदर चलकर देखते हैं कैसा है। आप यहाँ पर चावल के पहली बार तो प्रोडक्ट देखिए। पहला एक इंडियन स्टार है, ये नीचे इंडिया गेट है, ये सारे प्रोडक्ट्स, मतलब इतने सारे टाइप के यहाँ पर चावल हैं, और हर एक चावल का फिर अलग अलग रेट होता है। अगर मैं एक नॉर्मल की बात करूँ, जैसे ये है एक हेरिटेज का बासमती राइस ट्रिपल एक्सल, तो ये 399 MUR का है, यानी कि 400 का, और एक MUR लगभग 2 इंडियन रुपीस के इक्वल होते, तो आप लगा सकते हो। ये 5 kg का पैकेट है जो हमें करीबन पड़ेगा 800 रुपये के लगभग का। ओके, इससे बहुत सारे टाइप के पैकेट्स हैं, आप जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो। ये देखिए, ये सारे टाइप के चावल हैं, तो जो भी आपका मन करे आप बोले सकते हो। सबके फिर रेट अलग अलग हैं। जैसे अगर हम एक और की बात करें, ये ट्रॉफी है बासमती राइस, ये इसका 5 किलो का पैकेट है 402.30, यानी कि वही 804 रुपये के लगभग का ये होगा। दावत है, तो ये हो गया पूरा राइस सेक्शन, यहाँ पे राइस का ये रेट है। ये हो गया मैदा, जो इसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे हैं, ये सेल्फ रेजिंग है, ये भी सेम है, एक ये ऊपर रखा हुआ है वो अलग है। एक ये हो गया मल्टी यूसेज, ये सूजी हो गई, तो इसका एक का प्राइस है 41.95, और ये वाला जो मैदा है सेल्फ रेजिंग, इसका है 45.95। ये प्रमोशन के बाद है, प्रमोशन चल रहा है, वैसे 51.75 का था, प्रमोशन के बाद 45.95। मल्टी यूसेज 41.95 है, और सूजी भी 41.95 की ही आ रही है, तो ये ले लेते हैं एक। यहाँ पर आप देख सकते हो सूजी भी ना 3-4 टाइप की हैं, जैसे एक ये ब्लेडर की सूजी है 41.95 की, उसके बाद एक ये है, दिस वन ओरियन की, ये है और 25.95, और एक ये वाली है जिसका प्राइस शायद नहीं लिखा हुआ, नहीं 31, ये ईगल ब्रांड की है, सूजी ही है, ये 31 की है, दिस वन 31। तो अलग अलग टाइप की सूजी है, एक ये भी है, इसका प्राइस नहीं लिखा हुआ, इसका प्राइस आपको वहीं जाकर पता चलेगा। तो ये सूजी हो गई बहुत सारे टाइप्स की, उसके बाद एक सूजी ये और हो गई थाली कंपनी की, जिसका प्राइस है 26.95। उसके बाद एक ये हो गई, तो आप देख सकते हो सूजी के ही कितने सारे टाइप्स हैं। ये माइल कंपनी की है, इसका प्राइस भी 26.95 डिस्काउंट के बाद। बट ये एक और मैदा है, ये एसटीसी कंपनी का है, 2.5 kg, और इसका प्राइस है 24.95।
लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि ये खाने में अच्छा नहीं है उतना जितना दूसरे वाला है। तो अब बारी अगर आती है दालों की, तो यहाँ पे दाल बहुत सारी हैं, आप देख सकते हो ये सारी ही दाल है। प्राइसेस बता देती हूँ मैं आपको, जैसे ये एक चने की दाल हो गई, मतलब काले चने हो गए, ये 31 रुपीज़ के है। इस पर इस टाइम कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है। उसके बाद ये हो गया राजमा, राजमा के प्राइस हैं दिस वन 39.95, ये 42 के थे, इसमें प्रमोशन चल के 39.95 पर ये बना है। उसके बाद ये आ जाती है फिर चने की दाल, चने की दाल पर जो है वो है 31.95। आपको ने यहाँ पर ये चीज़ चेक करनी, जैसे यहाँ पे ढोल ग्राम लिखा है तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये ढोल ग्राम है, तो ये 31.95 का है। उसके बाद मैं अगर आगे चलती हूँ, ये मलका की दाल आ गई 44.95 की, ये एक और मलका की दाल है ये 45.95 की है, ये रेड मलका रेड दाल है उसका प्राइस 39.26 है। ये वापस एक और मलका की दाल आ गई जिसका प्राइस 34.95 है। तो आप देख सकते हो हर दाल का प्राइस अलग है। उसके बाद अब अगर आप प्रमोशन के टाइम पर आओ तो आपको सस्ता पड़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइसेस। तो यहाँ पर साबुन के भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ ये लक्स, तब जो इंडियन ब्रांड जो इंडिया में यूज़ होते हैं लक्स, ये वो भी लक्स है। और मैं बताऊँ यहाँ पर ये 24 रुपीज़ की है, आप देख सकते हैं ये 24 रुपीज़ की है। और बाकी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये एक ईव भी है दिस वन। तो साबुन ये ऐसे है, ईव है हमारे यहाँ पर 25-26 रुपीज़ की, हम पास ये ईव है। आप देख सकते हैं लक्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, पिंक कलर की लक्स है, ये कुछ वाइट कलर की लक्स हो गई, ये ऑरेंज कलर की जो होती है वो हो गई, नीचे ये इस तरह की मैजिकल ब्यूटी, ये एक लक्स है, ये पिंक कलर की वापस से हो गई। तो ये साबुन के ये वाले ऑप्शन है, और आपको एक साबुन अराउंड 24 रुपये की पड़ेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो ये वाली साबुन है, ये वाली जो लक्स है, ये 24 रुपीज़ की है। साबुन के ऑप्शन में इंडियन ब्रांड बहुत सारे हैं यहाँ पर। यहाँ पर मेरे को भी लाइफ बॉय भी दिख चुकी है, आप देख सकते हैं लाइफ बॉय ब्लू वाली भी है, रेड वाली भी लाइफ बॉय है। तो आप जो भी परचेज़ करना चाहो, जो भी आपको सही लगे वो आप परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद डेटॉल भी है, देखो देखो डेटॉल, ये ग्रीन वाली भी है, पिंक वाली डेटॉल भी है, ब्लू वाली भी है, ग्रीन वाली डेटॉल भी है, ब्लू वाली डेटॉल भी है, सेवलॉन भी है, उसके बाद ये पिंक कलर की डेटॉल भी है, लाइफ बॉय के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सुबह के नाश्ते में पोहा सबको पसंद होता है, तो अगर मैं पोहे की बात करूं तो ये एक पोहा है गे कंपनी का, ये ब्रांड पोहा, ये कुछ है 51 रुपीज़ का, 51 मॉरिशियन रुपीज़ का। एक खाना बनाने की शुरुआत घी से होती है, तो घी के रेट देख लेते हैं, तो घी देखते हैं घी कितने टाइप का होता है। तो एक ही RKG का घी आता है यहाँ पर, गोवर्धन का घी होता है, एक ये क्लासिफाइड श्री श्री ये है, फिर एक ये बीटा करके, तो ये चार पांच टाइप तरह के घी आते हैं। अगर मैं गोवर्धन की बात करूँ तो गोवर्धन है कुछ 497 रुपीज़ का फॉर 500 ग्राम्स, 500 ग्राम या आधा किलो 497 का है। जो भी चीज़ इंसान को मोटा करती है ना, वो चीज़ यहाँ सस्ती मिलती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ, वो बहुत सस्ती है। तो मैं अभी आ गई हूँ कोल्ड ड्रिंक सेक्शन में। कोल्ड ड्रिंक जो इंसान की सेहत बिल्कुल ख़राब करती है, और वो यहाँ बहुत, मतलब एक बहुत ज़्यादा सस्ती है। मॉल्स में सस्ती मिलेगी, अगर आप किसी भी वाटर पार्क में या सिंपल पार्क में घूमने भी जाते हैं तो वहाँ बहुत कॉस्टली मिलेगी, वही अब वो लोग अपना रेट निकालते हैं। मॉल में दिखाती हूँ मम्मी को कि मॉल में क्या रेट है सारी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स का, देख सकते हो पीछे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सब का रेट दिखाती हूँ। ये अगर आप ये देखोगे फैंटा की जो पैशन फ्रूट है वो केवल 59 रुपीज़ का है, 1.5 लीटर। उसके बाद ये फैंटा, ये भी पैशन फ्रूट है, ये एक और है ऑरेंगीना, ये 65 रुपीज़ की है, ये 59 की थी, ये 65 की है। उसके बाद मिरिंडा, मिरिंडा भी यहाँ पर 59 रुपीज़ की है। फैंटा जो हम लोग डेली में पीते हैं, फैंटा ऑरेंज जो हम लोग हमेशा पिए, वो भी यहाँ पर 59 रुपीज़ की, 59.25, 60
0.25 60 तो नहीं होगा बट हाँ, मिरिंडा सेम रेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम रेट है। स्प्राइट की बात करूँ, स्प्राइट भी सेम है 59 की। कोका कोला की बात करूँ तो ये थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, ये 129 की हो जाती है। वेल ये कोका कोला वो है नहीं है जो हम लोग इंडिया में पीते हैं, वो तो यहाँ है ही नहीं शायद। ये पेप्सी ट्विस्ट करके है, ये यहाँ पर 59.25 की। तो इन सब को देखकर आप लगा सकते हो कि मॉरिशस सस्ता है या महंगा। यहाँ पे छोटे चिप्स बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे ना, होते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन बहुत कम मिलते हैं ये सारे चिप्स। हाँ ये छोटे पैकेट्स हैं, क्रिंकल कट, ये छोटे पैकेट, इसका रेट नहीं लगा हुआ है। तो ये एक पैकेट है क्रंचेस एक्स कट, ये 79 रुपीस का है। डोरिटोस सबका फेवरेट, ये छोटा पैकेट 45 ग्राम्स का पैकेट 19.80, मतलब 20 रुपये का ही है, लगा लो 20 का, यानी कि इंडिया के 40 रुपये का है। यहाँ पर मैं रिफाइंड की बात करूँ, वो भी इंसान को मोटा करती है, वो भी बहुत सस्ता है। तो देखते भी इस रिफाइंड के प्राइसेस क्या हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ रिफाइंड है, और रिफाइंड का जो प्राइस है वो केवल और केवल 73 रुपीज़ है, 73 मॉरिशियन रुपीज़ है। दो टाइप का रिफाइंड आता है, कि ये रानी करके है और एक ये मोरो ऑयल। तो रानी का जो है वो केवल 53 रुपीज़ का है, और मोर ऑयल का जो रिफाइंड है वो 73 रुपीज़ का है। अगर मैं चाय पत्ती की बात करूँ तो चाय पत्ती बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो भी इंडिया से आ रहा है भाई अपनी चाय पत्ती लेकर आना, क्योंकि मैंने यहाँ की काफ़ी सारी चाय पत्ती ट्राई करी है। मतलब मैं चाय नहीं पीती, मैंने अपनी मदर इन लॉ को ट्राई करवाई, उनको बिल्कुल अच्छी लगी, फिर हमने इंडिया से ही किसी के थ्रू मंगवाई। तो यहाँ की चाय पत्ती बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं दिखा देती हूँ, ये है, ये 55 रुपीज़ की है, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये 105 की है, उसमें चेंजेस होंगे ना के वेट में। मॉरिशस एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ पर ब्राउन शुगर सस्ती है और वाइट शुगर महंगी है। आप देख सकते हो ये टाइप की, ये ब्राउन शुगर है और इसका रेट है कुछ 29.50, एंड ये वाइट शुगर है, इसमें भी अभी तो रेट सेम चल रहा है, रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये इस टाइप की, इतनी सारी टाइप की यहाँ पर शुगर है। यहाँ पर ये एक वाटरमेलन 104 रुपये का है। ये कीवी, कीवी के 4 पीस 65 रुपीज़ के हैं। ये एक अंगूर का बॉक्स, ये है 500 ग्राम ये अंगूर है, और 130 रुपये के ये अंगूर हैं, मतलब 80 रुपीज़ के ये दो भुट्टा हैं। ये 6 ऑरेंज 90 रुपये के, 90 रुपीज़ के ये 6 ऑरेंज हैं। ये 300 ग्राम गोभी जो है ये 193 रुपीज़ की है। एक शिमला मिर्च 40 रुपए की है, मतलब शिमला मिर्च है क्या है ये, एक शिमला मिर्च 40 रुपए की। तो आप यहाँ पर टमाटर देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, और इधर भी एक और टमाटर है, 7 and 8। तो 8 जगह ये टमाटर है। तो अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये टमाटर साथ ही नहीं है, ये हर सब्जी के साथ है जो भी आप लेना चाहो। तो अब आप देखो कि आपकी पॉकेट के हिसाब से और आपके टेस्ट के हिसाब से कौन सी सब्जी आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये कौन से टमाटर आपके लिए सही रहेंगे। आज संडे का दिन है तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मेरे पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ आप लोग को दिख रही होगी। तो जब मैं टमाटर के आपको रेट बताऊँ, वेल उसके बाद ना पैक्ड टमाटर्स भी हैं, में 4 टमाटर 6 टमाटर भी हैं। तो अगर मैं आपको उनके रेट दिखाती हूँ, तो ये वाले जो टमाटर हैं ये 160 रुपए के, 160 रुपए मॉरिशियन रुपीस के हिसाब से, ये 160 मॉरिशियन रुपी के हिसाब से हैं, और ये 500 ग्राम से यानी कि हाफ के जी 160 रुपीस मॉरिशियन। उसके बाद जो ये वाले टमाटर हो गए, ये वाले टमाटर हो गए, ये 180 रुपीस हैं, ये वाले 200 हैं,
ये वाले थोड़े से कम हो गए, ये 140 हैं, ये 120 और ये वाले 100, तो ये इस हिसाब से ही टमाटर के रेट है। ये चार टमाटर 120 रुपए के हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस मॉरीशस कितना ज़्यादा महंगा है। उसके बाद आप आलू की वैरायटी रखते हैं 2-3, मैं आपको दिखाऊँ आगे। तो यहाँ पे ये पैक्ड टमाटोज रखे हैं सब जगह, सबके रेट। बाकी इन बॉक्सेस में भी पोटैटो थे लेकिन ये अब ख़त्म, खाली हो चुके हैं क्योंकि आज संडे है तो रश बहुत ज़्यादा है। मैं आपको रेट बताऊं तो ये 19 के हैं, 19 के 500 ग्राम्स हैं, आप देख सकते हैं 19 मॉरिशियन रुपीज़ के 500 ग्राम्स हैं। ये भी सेम रेट है, आज आलू का सेम रेट है 19 रुपीज़ के 500 ग्राम। ये आ जाती है ओनियन की बारी, तो आप देख सकते हैं ओनियन का रेट भी सेम है, ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ है 500 ग्राम्स के लिए। तो ये कुछ इस टाइप से हैं, और ये पीले वाले हैं वो रेड वाले हैं टमाटर प्याज। अगर मैं अब आपको सेब की वैरायटी दिखाऊं कि सेब ही कितनी वैरायटीज है, तो आप देख सकते हैं ये एक टाइप के सेब हैं, नीचे ये दूसरे टाइप के सेब हो गए, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप के, थोड़ा सा और आगे चलेंगे 6, 7 एंड 8, तो ये 8 टाइप के सेब हैं। एक और टाइप है और दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पे ये एक और टाइप के सेब रखे हैं, ये भी ग्रीन वाले ही सेब हैं। तो ये सारे सेब की वैरायटीज़ हैं, एप्पल की वैरायटीज़ हैं, आपको इसी तरह से बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी हर एक चीज़ की। और फिर प्राइजेज में वेरी होता रहता है, प्राइजेस जिस हिसाब से आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से यहाँ पर प्राइस के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। मॉरीशस वालों ने हमारे लिए बहुत सोचा, हम जैसे नए नए सब्जी बनाने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे कटी हुई सब्जियाँ भी मिलती हैं। ये सब कुछ है, ये 94.95 यानी कि 95 रुपीज़ का है, बहुत टाइप की हैं, बहुत कुछ है। तो ये कुछ था जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या प्राइजेस हैं मॉरीशस में सामान के, जो एक नेसेसरी आइटम है कोई भी अगर यहाँ पे आता है कुछ टाइम रुकने के लिए उसको यूज़ पड़ेगी, मतलब ज़रूरत पड़ेगी। मैंने भी कुछ सामान लिया है, मेरे हाथ में ही है। वेल, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय।